कल मंगलवार का दिन है, बजरंग बली की भक्ति का दिन है, शनि की शांति का दिन भी होता है, क्योंकि शनि ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि हनुमान जी की भक्ति जो जन करेगा उसको शनि कभी तकलीफ़ नहीं देंगे। तो शनि संबंधी तकलीफ़ या मंगल संबंधी तकलीफ़ या किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, क्योंकि हनुमान जी आज भी हैं धरातल पर, आज भी हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार हो चुका है, आपको भी हुआ होगा। तो आज का वीडियो हनुमान जी पर केंद्रित है, और हनुमान जी की भक्ति ऐसी सॉलिड भक्ति होती है जो जन उनको ध्याता है तो उसको वो सुख देते हैं, उसकी सब तकलीफ़ दूर कर देते हैं तुरंत, उनका नाम जपने मात्र से हर कष्ट मिट जाता है, हनुमान जी का ऐसा प्रभाव है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बजरंग बली की जय बोलते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम भी अवश्य बोलिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नाम है एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आप यूं ही तरक्की करते रहें, खुशहाल ज़िंदगी जीते रहें, इसी शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री, आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शनि संबंधी कष्टों के लिए हनुमान जी का नाम विशेष कारगर है। महाबली हनुमान जी का मंत्र इतना प्रभावशाली होता है, जो इनका मंत्र जपता है तो उसको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। हनुमान जी से पूर्व आपको गणपति देवता का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे आपका सभी काम बिना निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। हनुमान जी का ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, हन पवन नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र का जितना ज़्यादा संख्या में आप जाप करेंगे आपको सफलता की चरम सीमा में आप पहुंच जाएंगे, आपको सफलता और सौभाग्य भरपूर मात्रा में मिलने लगेगा। अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं, हनुमान मंत्र अनुष्ठान करते हैं, हन पवन नंदनाय स्वाहा का अनुष्ठान करते हैं, इस अनुष्ठान से रात्रि में आपको साक्षात हनुमान जी दर्शन देते हैं, यह बात कई साधक कह चुके हैं, ये शास्त्र सम्मत है। और इसका सातवें दिन निरंतर जप करना है आपको, आप देखेंगे हनुमान जी आपको दर्शन दे रहे हैं, हनुमान जी आपकी अपनी मौजूदगी का एहसास आपको करा रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। किसी भी तरह के रोग आपको परेशान कर रहे हों तो श्री हनुमान बाहुक का पाठ करिए या यूट्यूब पर सुनिए हनुमान बाहुक का पाठ, आपकी पीड़ा और कष्ट दिनों दिन कम होते जाएंगे और निरंतर आपको एहसास होगा कि आपके कष्ट मिट से गए हैं और हनुमान जी ने आपके सभी कष्ट मिटा दिए हैं, ऐसा आपको एहसास होगा। शत्रु को आप पटकनी देना चाहते हैं तो शत्रुंजय श्री हनुमान स्त्रोत बेहद प्रभावशाली है, आप इसका जाप करके शत्रु को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे, किसी को बेवजह अपना शत्रु नहीं समझें, उससे सुलह करने की कोशिश करें, लेकिन अगर शत्रु घमंडी है, अहंकारी है और आपको दबाने की चेष्टा कर रहा है, आपकी कोई बात ही नहीं मान रहा है, तो आप उसको सबक सिखाना बनता है और उसको सबक श्री हनुमान जी की आराधना करके आप सिखा सकते हैं। शत्रु का सर्वनाश करने के क्षेत्र में बजरंग बली के मंत्र बेहद प्रभावी सिद्ध हुए हैं। शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी का 108 बार नाम जप करना आपको सभी समस्या से यानी रिपु कष्ट से आपका निवारण कर सकता है। ये मंत्र विशेष प्रभावशाली है। ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। इसका जाप करिए, हनुमान जी का श्री हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें और ये संकल्प लें कि आप ये मंत्र जाप निरंतर करते रहेंगे और आपको फ़ायदा होगा इस मंत्र के जाप से, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ओम हन हनुमते आंजनेनाय महाबलाय नमः।
ये उत्तम श्रेणी का मंत्र है। इसका जाप करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप यूँ भी बोल सकते हैं, ओम आंजनेयाय महाबलाय हुम फट। इस मंत्र का जाप करिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। शत्रु को पटकनी देने के क्षेत्र में हनुमान चेतक मंत्र विशेष प्रभावशाली है। आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं ये मंत्र किस प्रकार है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते सप्तवदनाय आद्य कपि मुखाय वीर हनुमते सर्व शत्रु संहारणाय ठन 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 ओम नमः स्वाहा। ये मंत्र आपको जपना है, ये विशेष प्रभावशाली है। दूसरा मंत्र भी आप जप सकते हैं जो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीय नारसिंहास्याय अत्युग्र तेजो वपुषे भीषणाय भय नाशनाय हन 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 ओम नमः स्वाहा। ये दोनों ही मंत्र विशेष प्रभावशाली हैं और शत्रुओं पर निरंतर विजय इस मंत्र के जाप से आपको प्राप्त होती रहती है। आपको ये मंत्र जाप करने ही चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रामेश्वर की स्थापना के समानांतर हनुमदीश्वर शिवलिंग की स्थापना के पश्चात हनुमान ने यह स्तोत्र किया था, जो इस प्रकार है, हनुमत कृत श्री राम सीता संस्तवन। ये पाठ आपको करना चाहिए। इसकी प्रयोग विधि इस प्रकार है कि संकल्प लेना है और श्री राम दरबार का षोडशोपचार पूजन करना है। नैवेद्य में लड्डू चढ़ाने हैं और पाठारंभ अगर आप मंगलवार को करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। पाठ संपन्न होने पर ओम राम रामाय नमः स्वाहा तथा ओम हन हनुमते नमः स्वाहा का एक एक माला आपको करनी चाहिए। हवन भी करना चाहिए। हवन सामग्री में अगर आप मोदक लेते हैं, पुआ लेते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इस विधि से आप प्रयोग करके अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से शत्रु लगभग नष्ट सा हो जाता है, उसका कारोबार समाप्त हो जाता है, वो पलायन कर जाता है, कूच कर जाता है और आपको पीछा नहीं करता है और आपको परेशान करना बंद कर देता है। तो आपको ये काम करना चाहिए जो हमने आपको बताया। हनुमान जी को पूजा करते समय अगर आप कमल, केवड़ा, हजारा, गेंदा, गुलाब अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और आपको सब काम आपके संपूर्ण कर देते हैं। नैवेद्य भी चढ़ाने चाहिए जिनमें आप गुड़ चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, गोला चढ़ाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। लड्डू भी उनको ग्राही है और मध्यान्ह पूजन में आपको गुड़, घी, गेहूं की रोटी तथा चूरमा चढ़ाना चाहिए और रात्रि में यानी रात को आम, अमरूद या केला अर्पित करना चाहिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी भक्ति शिरोधार्य करते हैं, मतलब शिरोधार्य होती है आपकी भक्ति, ऐसा समझिए। आपकी भक्ति को वो स्वीकार करते हैं, ऐसा मानिए। अगर आपके ऊपर कोई भयंकर मुसीबत आ गई है तो हनुमान जी ने स्वयं कहा है, रामचरितमानस में आप देख सकते हैं, वो कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सिमसुमिरन भजन न होई। इस श्लोक को या इस जाप को आप प्रतिदिन करते हैं तो शत्रु पीड़ा से आपकी रक्षा होती है। हनुमान जी की पूजा करते समय आपको ये बोलना है, मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन शत्रुन संहर माम रक्ष श्रियम दापय मे प्रभो। हे वानराधीश महान उत्साही सब प्रकार के शोक का नाश करने वाले प्रभो, हे मेरे शत्रुओं का नाश कर दो, मेरी रक्षा करो, मुझे लक्ष्मी प्रदान करो। ये करते हैं तो आपको ज़बरदस्त हनुमान जी की कृपा मिलती है। हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं और आपके शत्रुओं का संहार करते हैं। राम रामाय नमः, इसका जप जो डेली करता है उसकी रक्षा सर्वत्र होती है। आप बजरंग बाण का पाठ भी करिए, ये आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करता है और शत्रुओं का संहार करता है। आपको सर्वत्र विजय श्री की प्राप्ति होती है।
हनुमान बड़वानल स्तोत्र भी चमत्कृत करने वाला है, शत्रुओं का संहार करने में उत्तम परिणाम देता है। तो हनुमान बड़वानल स्तोत्र को आप YouTube पर सर्च करके सुन सकते हैं। श्री लांगुलास्त्र शत्रुंजय हनुमत स्रोत बहुत प्रभावशाली है, ये आपके सर्व शत्रुओं का नाश कर देता है, इतना चमत्कारिक परिणाम आपको देता है। तो आपको ये जाप भी करना चाहिए, ये भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। श्री विचित्र वीर हनुमन माला मंत्र, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इसके जाप करने से आपको सर्वत्र बाधा का निवारण होता है और सब दुख मिट जाते हैं। शत्रु मुँह की खाता है, शत्रु पर आपको विजय श्री की प्राप्ति हो जाती है। इस अनुष्ठान को भी करें, ये बहुत प्रभावशाली है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज के वीडियो समाप्त करते हैं।